क्लास 8 में गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हम 9.4 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे 9.5। इसके अंदर यूज आपको करना है किसका? सूटेबल आइडेंटिटीज। तो पहले तो आप आइडेंटिटीज राइट करो जो आपके 9.5 में चलेगी। आइडेंटिटीज ये आप राइट करो। आइडेंटिटीज फर्स्ट आइडेंटिटी आती है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इसके एक्सपेंडेड फॉर्म, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रहेगी इसके एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसको आपको लर्न करना है तभी जाके प्रश्नों को हम कर पाएंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटीज है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ओनली टू टर्म्स हैं एंड ब्रैकेट में होल स्क्वायर, ओनली इसमें साइन चेंज रहेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगी, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है यानी ओनली टू टर्म एंड बोथ टर्म आर परफेक्ट स्क्वायर, बोथ टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एंड लास्ट आइडेंटिटी आपके फोर्थ, फोर्थ एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ये जो टर्म है ए एंड बी इनका सम ऑफ हम लेंगे इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी ए इंटू बी। तो ये आपकी फोर आइडेंटिटीज या काम आएगी 9.5 में। और जो भी हम आगे किस्मों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जैसे सपोज करो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, इसके बेस पे हम चलते हैं, यानी कि एक्स प्लस टू वाई है, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म हम फाइंड करें तो इसका मीन्स क्या आ गया? जैसे आपको ये दे दे एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस टू वाई, इसकी जगह हम क्या राइट करेंगे? x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर। ऐसे राइट कर सकते हैं x प्लस टू वाई होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हम आइडेंटिटी काम में लेंगे, इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लेंगे? यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें, यानी कि कंपेयर करें a प्लस बी के साथ, तो यहाँ पे ये a एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू टू वाई, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू x एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2y, ये वैल्यूज में आप पुटिंग कर दो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वैल्यू पुटिंग करेंगे तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू x तो x स्क्वायर प्लस 2 इनटू वैल्यू ऑफ a इक्वल टू x, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2y प्लस b इक्वल टू 2y होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप x स्क्वायर 2 2 जा 4xy प्लस 2y होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ टू इक्वल टू फोर एंड स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यह आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर। तो इस टाइप से हम अकॉर्डिंग आइडेंटिटी चेक करें। जैसे सेकेंड आइडेंटिटी पे रिलेटेड हम लेते हैं एग्जाम्पल, सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास ए माइनस बी होल स्क्वायर, सपोज करो ये थ्री एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर, थ्री एक्स माइनस फोर थ्री एक्स माइनस फोर, इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो हम इसके इक्वल टू क्या, यानी कि आप राइट कर सकते हैं 3x माइनस 4 होल स्क्वायर, 3x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर यूजिंग आइडेंटिटी, ये सेकंड आइडेंटिटी काम यूज में आएगी, यानी a माइनस b होल स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3x, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू b इक्वल टू 4, तो इसकी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडेड फॉर्म लेंगे तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3x होल स्क्वायर माइनस 2 एंड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3x वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 4 प्लस 4 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 3 स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24x एंड स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 16 is required answer 9x square minus
24x प्लस 16, तो ये सेकंड आइडेंटिटी पे रिलेटेड एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट आइडेंटिटी है थर्ड आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इस आइडेंटिटी में आपके पास कितने टर्म्स होंगे, ओनली टू टर्म्स होंगे एंड वो टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी है, यानी कि बोथ जो टर्म है वो दोनों ही टर्म्स क्या होंगे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे सपोज करो ए स्क्वायर माइनस नाइन, ए स्क्वायर माइनस नाइन है, अब हम इसके फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, वो फैक्टर्स भी कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं फैक्टर्स, यानी सबसे पहले इसको हम राइट करेंगे ए होल स्क्वायर एंड इसको राइट करेंगे थ्री होल स्क्वायर, तो वन टाइम प्लस एंड वन टाइम माइनस, वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी, फर्स्ट इसका बन जाएगा ए प्लस थ्री एंड सेकेंड इसमें ए माइनस थ्री, ये इसके रिक्वायर्ड आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि बोथ टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए तभी इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके बेस पे से देखें, यानी जो फोर्थ वाली आइडेंटिटी इसके अंदर वन वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी आपके पास इक्वल रहेगी x की वैल्यू, जैसे सपोज करो 3x प्लस 5 एंड 3x प्लस 2 इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इससे कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे तो x is equal to 3x, वैल्यू ऑफ a is equal to 5, वैल्यू ऑफ x 3x, तो देखो ऐसे बोथ जो वैल्यू x की वो क्या है इक्वल है, तो हम इस आइडेंटिटी का यहां यूज कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ b, b is equal to 2 है आपके पास, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुटिंग कर दो, x स्क्वायर प्लस a प्लस b into x प्लस इंटू ए इंटू बी। अब नेक्स्ट यहां से x की वैल्यू 3x, तो x इज इक्वल टू 3x होल स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ a, a इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3x प्लस a इंटू b, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 एंड x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 3x प्लस 5 टू जा 10 एंड लास्ट स्टेप 9x स्क्वायर 7 3 जा 21x प्लस 10, ये इसके रिक्वायर्ड आपके पास आंसर आ जाए। तो मैंने इसको भी थैंक एग्जांपल आपको आइडेंटिटी समझाई है, तो इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना है, इनको लर्न करना है आइडेंटिटीज को। और अब हम चलते हैं 9.5 में, जो इंपॉर्टेंट है जाके फ्यूचर के लिए, भी मान लो आगे क्लास में आप जाओगे एंटर करोगे तो उसके अंदर आइडेंटिटीज का यूज होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, यानी कि यूज इज सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, 9.5 एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास, यूज ए सूटेबल आइडेंटिटी, यूज ए suitable identities, use a suitable identities to get each of the following product, each of the following product, following product, following products आपको find करना है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, use a suitable identities to get each of the following products, following products आपको find करना है। First है यहाँ x plus 3 and x plus 3, इसका product find करना है, तो देखो same term आ गई यहाँ, x plus 3 and x plus 3 इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या राइट करेंगे, x प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्मूले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग आपको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करनी है। एंड इसको कंपेयर करें तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू x, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू आप इसमें पुटिंग कर दो,
तो फर्स्ट में क्या आएगी, यानी कि शुरू में ए स्क्वायर है, तो यहां से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू थ्री, वैल्यू ऑफ बी, बी इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू थ्री प्लस बी स्क्वायर यानी थ्री स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स एंड स्क्वायर ऑफ थ्री इक्वल टू नाइन इज रिक्वायर्ड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इस टाइप से इसका सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड है टू वाई प्लस फाइव, टू वाई प्लस फाइव एंड टू वाई प्लस फाइव, तो वो टर्म आ गए वो टर्म मल्टीप्लाई में, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, यानी टू वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर, टू वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करते हैं तो सेम यही आइडेंटिटी हम यूज में लेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज में लेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करेंगे एंड कंपेयर करें इससे, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू टू वाई, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू टू वाई एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू फाइव and putting the a and b value in this expanded form and next a square to value of a equal to 2y, 2y square plus 2 value of a equal to 2y, value of b equal to 5 plus 5 square. Next step square of 2, square of 2 is equal to 4, 4y square plus 5 to 10, 10 to 20, y एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसमें। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को नोट भी करना है और इनकी अगेन आपको प्रैक्टिस और करनी है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चों इनको आप भूल जाओ, इसलिए इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। और ये आपके जो क्लास नाइन्थ में अब जब आप जाओगे, एट क्लास में है, क्लास नाइन्थ में भी इसका यूज होगा, क्लास टेंथ में भी इसका आपके यूज होगा, और नेक्स्ट जब आगे और पढ़ोगे जैसे इलेवन ट्वेल्थ है कॉलेज के लोगे, जब तक ये आइडेंटिटी आपके काम आएंगे एंड कंपटीशन एग्जाम में भी इनका यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम थर्ड में इसके, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास 2a-7, 2a-7 एंड 2a-7। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, इससे स्क्वायर बना सकते हैं, 2a-7 इंटू 2a-7 इज इक्वल टू 2a-7 होल स्क्वायर, इसको क्या राइट करेंगे हम 2a-7 होल स्क्वायर एंड यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी यहाँ यूज करें कंपेयर करो इसमें, तो यहाँ पे a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। फर्स्ट के अंदर कंपेयर करें तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2a, ए इक्वल टू 2a कंपेयर करने पर एंड b इक्वल टू 7, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 7 एंड नेक्स्ट ये वैल्यू पुटिंग करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट में a स्क्वायर तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2a, तो 2a स्क्वायर 2a होल स्क्वायर माइनस 2 वैल्यू ऑफ a, a इक्वल टू 2a, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 7 एंड प्लस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल टू 4a स्क्वायर, वैल्यू यानी कि स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल टू 4a स्क्वायर एंड प्रोडक्ट डिजिट 7 टू जा 14, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 इक्वल टू 28a प्लस स्क्वायर ऑफ 7 इक्वल टू 49, ये इसके एक्सपेंडेड फॉर्म आपके पास आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 2a-7 इंटू 2a-7 इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 3a-1/2, 3a-1/2 एंड 3a-1/2, तो इसमें भी सेम है,
यानी कि बहुत जो ब्रैकेट्स है वो क्या है, सेम डिजिट है, इसका भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर यहाँ राइट करेंगे, 3a माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको क्या राइट करेंगे, 3a माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। एंड अब इसके अंदर कौन सा आइडेंटिटी हम यूज में लें, a माइनस b होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का आप यहाँ यूज करो, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड कंपेयर विद ए माइनस बी होल स्क्वायर से इसको कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3a, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 1 बाय 2। अब यहां पर देखो आपको साइन नहीं लेना क्योंकि यहां आइडेंटिटी में क्या आ गया, माइनस साइन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, यदि हम प्लस साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे प्लस वाले आइडेंटिटी से तो आपको इसमें साइन लेनी पड़ेगी, विद साइन से चलना पड़ेगा। फर्स्ट आ रहा है ए स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3a, 3a होल स्क्वायर माइनस 2, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3a, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 1 बाय 2, तो स्क्वायर ऑफ 1 बाय 2। नेक्स्ट यहां से स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू 9a स्क्वायर, 2 इंटू 2 कैंसिल 3a, प्लस स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल टू 1, स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल टू 4, ये इसके करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएंगे। तो इस टाइप से इसके एक्सपेंडेड फॉर्म आपके पास बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 5th देखो इसी में, तो लेकिन इनकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और साथ इनको होमवर्क में भी आपको कंटिन्यू करना है क्वेश्चनों। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th हमारे पास 1.1 है माइनस 0.4, नेक्स्ट है 1.1m प्लस 0.4। अब इसमें कौन से आइडेंटिटी हम यूज करें, तो यहां पर 1 टाइम माइनस हो रहा है, 1 टाइम प्लस हो रहा है, बोथ है डिजिट, डिजिट क्या है सेम है, डिजिट इसमें सेम है, 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, तो इसके अंदर हम आइडेंटिटी यूज में लेंगे a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करते हुए इसमें से लेंगे, यानी कि शुरू में क्या आ गया इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का आपको यूज करते हुए चलना है। एंड कंपेयर करें वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1.1m वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0.4 एंड ये वैल्यू इसमें पुटिंग कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1.1m होल स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 0.4 एंड इट्स स्क्वायर लो, 1.1 को 1.1 से इंटू करेंगे तो 1.2 यानी कि 11 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ 11 इक्वल टू 121 एंड 1 एंड 2 टू डिजिट आफ्टर पॉइंट लगा दो इसके राइट साइड से, आंसर क्या आ गया 1.21 एंड स्क्वायर ऑफ m इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4 इनटू 4 16 एंड पॉइंट हम राइट करेंगे टू डिजिट आफ्टर 1 2, तो 0.16 ये इसके रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट रखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सेकंड है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसमें सेम है क्या, सेम नहीं है, थोड़ा सा इसमें फर्क है, तो हम इसको क्या करेंगे रीसेट करके आगे राइट करेंगे, क्वेश्चन को क्या करना है इसको रीसेट करके आपको राइट करना है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे और का यूज कर सकते हैं और इस ब्रैकेट को सही सेट करेंगे, इस ब्रैकेट में बी स्क्वायर को यहां और माइनस ए स्क्वायर, इसको राइट करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम ए से इस ब्रैकेट को भी आप सेट कर सकते हो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो टर्म प्लस है इसमें एंड इसमें माइनस ए स्क्वायर। अब आगे इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करें आप देख सकते हो, वन टाइम प्लस है वन टाइम माइनस है, एक बार इसमें प्लस है एक बार माइनस है, तो बोथ आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाएगी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज्क्वल टू ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। एंड कंपेयर करते हैं वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू बी स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी ए बी ए एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेड फॉर्मूला आपको लेनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट यहां से वैल्यू ऑफ ए तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वैल्यू बी बी इक्वल टू ए स्क्वायर एंड टू इंटू टू फोर एक्सपोनेंट एंड ए फोर एक्सपोनेंट। ये इसके रिक्वायर्ड आपके पास आंसर आ सकते हैं। और करके इसको आगे और सेट करो तो माइनस ए फोर प्लस बी फोर ये आंसर भी हम यहाँ राइट कर सकते हैं या ये आंसर या फिर ये आंसर बोथ आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो 6x माइनस सेवन और 6x प्लस सेवन 6x माइनस सेवन एंड 6x माइनस सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन वाला क्वेश्चन नंबर सेवन। ये देख पापा क्वेश्चन नंबर सेवन है इसका क्वेश्चन नंबर सेवन है 6x माइनस सेवन ये आपको सेल्फ पढ़ना है 6x माइनस सेवन एंड 6x प्लस सेवन वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस तो आइडेंटिटी आप यूज करते हुए इसको सेल्फ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन नंबर एट आप क्वेश्चन नंबर एट है माइनस ए प्लस सी ब्रैकेट माइनस ए प्लस सी ए प्लस सी तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं होल स्क्वायर माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर और राइट करके इसको रिसेट कर सकते हैं सी एंड माइनस ए सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हम आइडेंटिटी आप कौन सी यूज कर सकते हो ए माइनस बी होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। तो इसके अंदर आइडेंटिटी यूज करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इस आइडेंटिटी का आप यहां यूज करो तो वैल्यू ऑफ ए ए इक्वल टू सी एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू ए ये वैल्यू आप इसके अंदर पुटिंग कर दो तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू सी सी स्क्वायर माइनस एंड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू सी वैल्यू ऑफ बी बी इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर तो ए होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये इसके रिक्वायर्ड आपके पास आंसर आ जाए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है एट तक। क्वेश्चन नंबर नाइन देखो क्वेश्चन नंबर नाइन आपके पास क्वेश्चन नंबर नाइन है एक्स बाई टू प्लस थ्री वाई बाई फोर 3y by 4 and next test के अंदर x by 2 plus 3y by 4 इसके अंदर भी हम कौन सा identity use करेंगे both जो brackets हैं वो क्या equal है इसके अंदर x by 2 plus 3y by 4 plus 3y by 4 same है इसमें इसका भी whole square हम write कर सकते हैं यानी इसको write करेंगे x by 2 plus 3y by 4 whole square। अब इसके अंदर हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करें a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इस आइडेंटिटी का हम इसमें यूज करते हुए चलेंगे। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू एक्स बाई टू वैल्यू ऑफ a इक्वल टू एक्स बाई टू एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू थ्री वाई बाई फोर एंड वैल्यू इसमें पुटिंग कर देते हैं। फर्स्ट क्या बनेगा यहां से ए स्क्वायर है तो x by 2 होल स्क्वायर प्लस 2 वैल्यू ऑफ a इक्वल टू x by 2 वैल्यू ऑफ b b इक्वल टू 3y by 4 एंड प्लस b स्क्वायर तो 3y by 4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप यानी ऐसे नहीं यानी कि फर्स्ट में लेना है इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कितना होगा x by 2 का x स्क्वायर by 4 x स्क्वायर by 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो 3xy by 4 by 4 plus square of 3 9 and square of y
वाई स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 6k, ये इसके रिक्वायर्ड आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सेट करना है। तो क्वेश्चन आपके 9 हो चुके हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10 वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10, 7a-9 एंड 7a-9, इसमें सोचो हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करें। बोथ टर्म्स आर इक्वल है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर, यानी 7a-9 भी होल स्क्वायर, 7a-9 भी होल स्क्वायर के फॉर्म में ये रहेगा टर्म, यानी 7a-9 भी होल स्क्वायर। अब आगे इसमें यूज करें आप आइडेंटिटी, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज हो जाएगी इसमें, सो सकते हैं आप ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 7a, फर्स्ट वैल्यू ए, सेकंड वैल्यू बी एंड माइनस 5। वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 7a, 7a होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट वैल्यू ऑफ ए, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में 7a एंड बी, बी इज इक्वल टू 9b प्लस 9b होल स्क्वायर। एंड नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ऑफ 7, स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू 49, 49 स्क्वायर माइनस 9 7 जा 63 इंटू 2 126, 126 ए इंटू बी ए बी ए बी प्लस, और प्लस लेना है स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल टू 81, 81 बी स्क्वायर, ये इसके रिक्वायर्ड आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो आपको जैसे 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन तक आज कंप्लीट है हमारा। अब नेक्स्ट वीडियोज आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक हमारा कंप्लीट है, हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेंगे। लेकिन साथ ही इन आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना है, होमवर्क में कंप्लीट करना है, साथ इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है कंटिन्यू।